राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने 200 में से 199 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। एक सीट कांग्रेस ने गठबंधन में आरएलडी को दे दी है। जयपुर जिले की चौमू विधानसभा सीट पर इस बार कांग्रेस की दो महिला नेता टिकट की प्रबल दावेदार थी। ये दोनों महिला नेता लगातार पार्टी में सक्रिय रहने के साथ जनता के बीच भी एक्टिव नजर आ रही थी। एक महिला नेता राजघराने से ताल्लुक रखती है, जबकि दूसरी महिला नेता मूल रूप से झुंझुनू की है, लेकिन उनकी कर्मस्थली चोमू है। ये दोनों महिला नेता लगातार पार्टी में सक्रिय रहने के साथ ही जनता के बीच भी एक्टिव नजर आ रही थी। एक महिला नेता राजघराने से ताल्लुक रखती है, जबकि दूसरी महिला नेता मूल रूप से झुंझुनू की है, लेकिन उनकी कर्मस्थली चोमू है। दोनों प्रदेश कांग्रेस में पदाधिकारी भी हैं। इन दोनों महिलाओं के नाम हैं रुक्ष्मणी कुमारी और शिखा बराला। कांग्रेस पार्टी ने इस बार चौमू सीट से डॉक्टर शिखा बराला को टिकट दिया है। बहुत ज्यादा चर्चाएं थी कि इस सीट से रुक्ष्मणी कुमारी को टिकट मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टिकट मिलने के बाद डॉक्टर शिखा बराला ने पार्टी के प्रति आभार भी जताया। नमस्कार, मैं आपकी डॉक्टर शिखा मिल बराला। आपके आशीर्वाद व मेरे प्रति विश्वास को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा क्षेत्र चौमू से पहली बार कोई महिला को पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। मैं कल दिनांक 6 नवंबर को सुबह 10:30 बजे आप सभी के साथ नामांकन दाखिल कर रही हूं, और आप सभी क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन है, खासकर महिलाओं और युवाओं से, कि अधिक से अधिक संख्या में पधारकर इस नामांकन रैली को ऐतिहासिक बनाएं और चौमू में एक नई परिवर्तन लहर के साक्षी बनें। आप सभी का समर्थन व सहयोग चौमू में कांग्रेस पार्टी को मजबूत व एकजुट करेगा। समय अभाव की वजह से व्यक्तिगत मैं आप सभी से संपर्क नहीं कर पाई, उसके लिए क्षमा। आप सभी का साथ अपेक्षित है। धन्यवाद। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। मूल रूप से झुंझुनू के रहने वाली डॉक्टर शिखा मील बराला चौमू स्थित बराला हॉस्पिटल की डॉक्टर हैं। वो पिछले कई सालों से यहाँ काम करते हुए जनता से जुड़ी रही। डॉक्टर शिखा का कहना है कि उन्होंने कई सालों तक चिकित्सा के क्षेत्र में रहकर लोगों की सेवा की है, अब राजनीति में आकर सेवा करना चाहती है। कोरोना काल के दौरान वो क्षेत्र की जनता के बीच समाज सेवा को लेकर काफी सक्रिय रही। कुछ समय पहले डॉक्टर शिखा ने सम्मान आपके द्वार अभियान शुरू किया था। इसके तहत उन्होंने लोगों के बीच जाकर सम्मान करना शुरू किया था। अब तक वो 10,000 से ज्यादा सेवानिवृत्त कर्मचारी, आशा सहयोगियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान कर चुके हैं। उनके इस अभियान से उनका क्रेज काफी बढ़ा है। वो प्रदेश कांग्रेस की सचिव हैं और टिकट की प्रमुख दावेदार भी थी। जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें चौमू सीट से मौका दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि डॉक्टर शिखा चौमू विधानसभा सीट पर कांग्रेस के भरोसे पर कितना खरा उतरती हैं।